नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के खिलाड़ी देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। खबरों का खिलाड़ी, वो बुलेटिन जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए स्पेशल खबरें जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, दिन भर की बड़ी खबरें। शुरुआत इमरान खान के उस बयान से करेंगे जिसमें उन्होंने साबित कर दिया कि भूगोल ही नहीं गणित में भी उनका हाथ तंग है। क्रिकेट पर ज्ञान देते देते इमरान भारत की आबादी पर बेतुका बयान दे बैठे। इमरान ने कहा कि भारत की आबादी 1,300,000,000,000 है, जिसके बाद उनके इस ज्ञान को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर उनका मजाक उड़ रहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह साबित कर दिया है कि उनका भूगोल ही नहीं गणित भी कमजोर है। जापान और जर्मनी को पड़ोसी देश बताने वाले नियाजी इमरान का दिमागी संतुलन इस कदर बिगड़ गया है कि उन्होंने भारत की आबादी को 1,300,000,000,000 बता दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर इमरान खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो भारत की आबादी को 1,300,000,000,000 बताते हुए दिख रहे हैं। का जो टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, एक वर्ल्ड कप है, वनडे क्रिकेट का, एक टेस्ट क्रिकेट का, 40 या 50 लाख की आबादी में हिंदुस्तान जिसकी 1,300,000,000,000 आबादी है, उनको उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट की चैंपियनशिप हरा दी। इमरान यही नहीं रुकते, उन्होंने भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की तुलना तक कर डाली। रविवार को पाकिस्तानी आवाम से बात करते हुए इमरान ने लॉकडाउन को लेकर बेतुका बयान दिया और कहा कि भारत ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन का फैसला लिया, जिससे वो तबाह हो गया। ये वीडियो पाकिस्तानी पत्रकार सैयद सिराजी ने ट्वीट किया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब इमरान खान की जनरल नॉलेज को लेकर उनकी भद्द पिट रही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इधर पत्थरबाजों पर जो सख्ती की गई है उससे पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही है। महबूबा ने फिर से पाकिस्तान का राग अलापना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि पत्थरबाजों पर लिया गया फैसला थोड़ा ज्यादा सख्त है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ा एक्शन और सख्ती से महबूबा बेचैन है, क्योंकि आतंक का सपोर्ट करने वालों को न तो नौकरी मिलेगी न पासपोर्ट। सीआईडी ने अपने सर्कुलर में कहा है कि पत्थरबाजी में शामिल रहे युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। पत्थरबाजी में पकड़े गए तो पासपोर्ट भी रद्द होगा। पत्थरबाजों को सिक्योरिटी क्लियरेंस भी नहीं मिलेगा। पहचान के लिए सीसीटीवी और तस्वीरों को खंगाला जाएगा। सरकार ने सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले पत्थरबाजों पर सख्ती की तो महबूबा को फिर से पाकिस्तान याद आने लगा। उनका इमरान प्रेम उमड़ने लगा है। पीडीपी का जो वजूद है वो जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से वजूद में आया है, और जब तक जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन का पुल नहीं बनता, तब तक हम इस रास्ते से हटने वाले नहीं। महबूबा मुफ्ती को अब गुपकार गैंग भी गद्दार नजर आने लगा है। उधर कांग्रेस का भी पत्थरबाजों से प्रेम सामने आ गया है। मोदी सरकार ने ठान लिया है कि कश्मीर के भोले भाले युवाओं को बरगलाकर आतंकी रास्ते पर धकेलने वाली पत्थरबाज गैंग का पक्का इलाज करके ही दम लेंगे। इसी से महबूबा की बेचैनी बढ़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। साबा में एक साथ 4 जगह ड्रोन देखे गए, जिसके बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध ड्रोन दिखने का सिलसिला जारी है। आतंकी घुसपैठ करा पाने में नाकाम पाकिस्तान, आईएसआई और आतंकी संगठनों के साथ मिलकर अब ड्रोन के जरिए आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। जम्मू के सांबा में रविवार को 4 संदिग्ध ड्रोन नजर आए। सांबा में लगातार दूसरे दिन ड्रोन गतिविधियां नजर आई हैं। यहां शनिवार को भी 3 अलग अलग इलाकों में स्थानीय लोगों ने ड्रोन देखे थे। मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों ने रविवार को पहला ड्रोन बड़ी ब्रह्मणा के बीरपुर इलाके में देखा, जबकि दूसरा ड्रोन बड़ी ब्रह्मणा के बिस्ना रोड पर 157 टीए कैंप के पास नजर आया। तीसरा ड्रोन इंडस्ट्रियल क्षेत्र में नजर आया, तो वहीं चौथा ड्रोन बड़ी ब्रह्मणा पेट्रोल पंप के पास देखा गया। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में ड्रोन गतिविधियां अचानक से बढ़ गई हैं। इसी साल जून में जम्मू में वायुसेना स्टेशन जम्मू पर हुए ड्रोन हमले के बाद जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन देखे जाने की संख्या बढ़ गई है। कुछ ड्रोन को तो सुरक्षा बलों ने मार भी गिराया, जिनमें आईडी लगे हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इधर ओवैसी की एंट्री से एसपी बीएसपी का गणित जो है वो यहाँ पर बिगड़ता नजर आ रहा है। मुस्लिम वोट बैंक में सिंध से अखिलेश यादव इतने परेशान है कि कांग्रेस बीएसपी से गठबंधन की कोशिशें अब शुरू कर दी गई है। साइकिल पर सवार होकर अखिलेश 2022 में यूपी की सत्ता पर काबिज होने के हसीन ख्वाब संजोए बैठे थे। बीएसपी को भी लगा था कि इस बार हाथी लखनऊ की कुर्सी तक पहुंच जाएगा, लेकिन भड़काऊ भाईजान की एंट्री ने साइकिल पर ब्रेक लगा दिया और मायावती को भी दूसरी तरफ देखने के लिए मजबूर कर दिया। अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाली समाजवादी पार्टी को अब साइकिल लड़खड़ाती दिख रही है। यूपी के 15% यादव वोटर हमेशा से समाजवादियों का साथ देते रहे हैं, जबकि बीते 30 सालों में ज्यादातर बार 20% मुसलमान भी समाजवादी साइकिल की सवारी करता रहा है।
यूपी के चुनाव में लैला की एंट्री हुई और अखिलेश की साइकिल पंचर होने लगी। यादव मुस्लिम समीकरण में सेंधमारी हो गई। पार में जा रहे ये लोग जो बातें करते सेकुलरिज्म, मैं सेकुलरिज्म का कूली नहीं हूं। बहुत ओम प्रकाश राज पर साहब थे कि हम लोडर नहीं, हम तुमको लीडर बनाने आए और तुमको लीडर बना कर रहेंगे इंशाल्लाह। ओवैसी ने न सिर्फ अखिलेश की नींद बल्कि मायावती की नींद भी उड़ा दी है। अब जब ब्राह्मण वोट भी मिलता नहीं दिख रहा तो बीएसपी ने ब्राह्मणों के मंच से किसानों का राग छेड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो साफ हो गया है कि यूपी चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, बुआ बबुआ की टेंशन बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव को बुआ मायावती का साथ चाहिए तो राहुल गांधी से भी अखिलेश गठबंधन की आस लगाए बैठे। यूपी विधानसभा चुनाव में 8 महीने से भी कम का वक्त बचा है। यूपी की सत्ता हासिल करने के लिए अखिलेश यादव ने फिर से सियासी दांव चला है। अकेले सत्ता पाना मुमकिन नहीं, इसलिए मायावती के साथ जाने को भी तैयार हैं और राहुल के साथ मंच पर चढ़ने को भी राजी हैं। अखिलेश का कहना है बीएसपी और कांग्रेस को तय करना है कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है या समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के दरवाजे सभी छोटी पार्टियों के लिए खुले हैं। बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियों को साथ लाने की कोशिश करेंगे। यहां तक कि अब अखिलेश को चाचा शिवपाल से भी कोई बैर नहीं है। अखिलेश का कहना है समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि सभी छोटी पार्टियां साथ आएं और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ें। उधर चाचा शिवपाल को भी अब भतीजे से कोई बैर नहीं, मंत्री की कुर्सी भी लेनी है, इसलिए शिवपाल गठबंधन के लिए तैयार हैं। समान विचार धारा वाली पार्टियां सब भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। यूपी के सियासी रण में अमित शाह ने अखिलेश समेत तमाम विरोधियों को खुली चुनौती दे दी है और 2022 में फिर से बंपर जीत का ऐलान भी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 2014 से लेकर 2019 तक का यूपी में बीजेपी की जीत के चाणक्य के रहे अमित शाह 2022 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की रणनीति में अहम भूमिका निभाएंगे। अपने यूपी दौरे में शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और साथी नेताओं को टीम भावना का संदेश भी दे दिया है। गृह मंत्री अमित शाह यूपी आए तो प्रदेश की जनता और विपक्षी पार्टियों के साथ साथ बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी बड़ा संदेश देकर गए। यूपी दौरे में अमित शाह कहकर गए हैं कि 2022 में भी केंद्र में मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत यूपी की जनता बनेगी। मैं मानता हूं कि इसी परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर शासन करने का मौका दिया। शाह का ये बयान बताता है कि बीजेपी की चुनावी रणनीति के लिए यूपी कितना महत्वपूर्ण राज्य है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह अपने बयानों से यूपी में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दे गए। यूपी में अमित शाह ने एक बार नहीं बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उनकी टीम की जमकर तारीफ की। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूपी में बीजेपी के हार की भविष्यवाणी कर दी है। ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे पर भी तंज कसा है। मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदार तमाम जनता अब की बार इस चुनाव में बीजेपी को इंशाअल्लाह ताला शिकस्त देगी। यूपी की जंग में अमित शाह की मौजूदगी से बीजेपी का जोश हाई है। 2014 से चले आ रहे विजय रथ को 2022 में भी बरकरार रखने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर बिहार में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को कहा कि सीएम नीतीश कुमार पीएम पद के मटेरियल हैं और इस बयान पर बीजेपी भी भड़क गई। रिपोर्ट देखिए। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ताजा बयान से बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावा और भी कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं, उसमें नीतीश कुमार का भी नाम है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त और भी कई लोग देश में हैं जो पीएम बनने की सलाहियत रखते हैं और उसमें नीतीश कुमार जी का भी नाम है। उपेंद्र कुशवाहा अकेले नहीं है जिन्होंने ऐसी बात कही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी पिछले दिनों कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। अब इस पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जी? ये सब बात नहीं जानते, हम काहे के लिए रहेंगे जो बोल रहे हो सब नहीं, ऐसी बात हम लोगों की इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए वैकेंसी है ही नहीं तो किसी के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत ही नहीं है। कई मौकों पर बीजेपी और जेडीयू के बीच तलखी सामने आती रही है। ऐसे में उपेंद्र के बयान से एक बार फिर दोनों सहयोगी दलों के बीच तलवारें खिंचती दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इधर लोकसभा में भी आज कोरोना के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से वैक्सीन की कमी को लेकर सवाल भी उठा दिए हैं और इसी पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी राहुल के वैक्सीन ज्ञान पर सवाल उठा दिए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है, हालांकि कई जगहों पर लोगों को वैक्सीन की कमी से भी जूझना पड़ रहा है। लोकसभा में भी आज कोरोना के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इस बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार और कमी को लेकर राहुल गांधी ने फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा, जुलाई चला गया, वैक्सीन की कमी नहीं गई। राहुल के निशाने पर केंद्र सरकार है तो राहुल को जवाब देने का बीड़ा खुद स्वास्थ्य मंत्री ने उठाया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करते हुए लिखा, सुना है जुलाई में जिन 13 करोड़ लोगों को टीके लगाए गए उनमें से आप भी एक हैं, लेकिन आपने हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक शब्द भी नहीं बोला, आपने जनता से अपील नहीं की, मतलब आप वैक्सीनेशन के नाम पर तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, आप में परिपक्वता की कमी है। दुनिया में भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसमें इतनी तेजी से वैक्सीनेशन का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक ओर वैक्सीनेशन पर सियासत हो रही है तो दूसरी ओर कोरोना की तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी। देश में पिछले 5 दिन से लगातार कोरोना के 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सबसे खराब हालात केरल में नजर आ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगभग थम चुका है। कोरोना के चलते लागू बंदिशें भी लगभग हटाई जा चुकी हैं, लेकिन जिस तीसरी लहर के खतरे की आशंका जताई जा रही थी उसकी आहट अब सुनाई देने लगी है। कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले 5 दिनों से लगातार कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी कम हो गई है। सबसे खराब हालत केरल में है जहां मामले भी ज्यादा आ रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी ज्यादा बना हुआ है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो केरल में कोरोना के 20,728 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 56 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं तमिलनाडु में 1,990 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 26 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे महाराष्ट्र में भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। यहां बीते 24 घंटे में 6,479 नए मामले सामने आ गए हैं, जबकि 157 मरीजों ने दम तोड़ा है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर तो आनी तय है, वैक्सीनेशन और मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग से ही इससे बचा जा सकता है। लोगों को भी ये बात समझनी होगी कि लापरवाही भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पहलवान सागर धनखड़ की मौत को 3 महीने बीत चुके हैं और 3 महीने के बाद अब दिल्ली पुलिस इस केस में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। 3 महीने की तहकीकात के बाद अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास सुशील कुमार के खिलाफ सबूतों और गवाहों की लिस्ट तैयार हो गई है। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के केस में अब दिल्ली पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। चार्जशीट में ऐसा बहुत कुछ है जो सुशील कुमार को जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए काफी होगा। जी मीडिया के पास चार्जशीट से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक सागर धनखड़ की पिटाई के लिए किसी भारी चीज का इस्तेमाल हुआ था, जिससे उससे गहरी चोट आई थी और उसी चोट के चलते सागर की जान चली गई थी। सागर धनखड़ की हत्या के केस में क्राइम ब्रांच ने 50 से ज्यादा गवाह इकट्ठा किए हैं। इन्हीं गवाहों के बयान के आधार पर चार्जशीट में और भी कई खुलासे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया है कि पहलवानों के दोनों खेमे के लोग गैंगस्टर काला जठेरी से जुड़े हुए थे। सागर धनखड़ की हत्या के केस में दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार समेत कुल 20 आरोपी बनाए हैं। इनमें से अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 5 अभी भी फरार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज अनिल देशमुख और उनके बेटे को ईडी के सामने पेश होना है। अब तक 3 बार ईडी ने देशमुख को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो हर बार बचते नजर आए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे को समन जारी किया है। अनिल देशमुख और उनके बेटे दोनों को आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है। अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज है और मामले की जांच के लिए उनको और उनके बेटे को आज ईडी के सामने पेश होना है। ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए अनिल देशमुख, उनकी पत्नी और बेटे को 3 बार नोटिस जारी किया, लेकिन ये 3 बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। जिस पर सफाई देते हुए अनिल देशमुख ने कहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है, जिसका फैसला आने के बाद ही वो और उनका परिवार ईडी के सामने पेश होगा और अपना बयान भी दर्ज करवाएगा। ईडी ने अनिल देशमुख पर कार्रवाई करते हुए उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी को भी सील कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हो रही भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनती नजर आ रही है। मुरादाबाद जिले में रविवार को बादल इस कदर बरसे कि कई रिहायशी इलाके समंदर में तब्दील हो गए। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में रहने वालों के लिए भी मुसीबत का सबब बन गई है।
कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, कहीं नदियों का बढ़ा जलस्तर लोगों को डरा रहा है तो कहीं बाढ़ बारिश के पानी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की, जहां तेज बारिश के बाद बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। देखिए कैसे लोग घरों में पानी भर जाने के बाद घर का सामान बाहर निकालने के लिए मजबूर हो गए हैं, खाना भी खुले आसमान के नीचे बन रहा है। सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं, आने जाने में लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बारिश के बाद पूरा इलाका समंदर में तब्दील हो चुका है। पानी के निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण बारिश का पानी यहां जमा हो रहा है। परेशानी ये है कि इन हालातों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ फिलहाल वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।